बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक का आगाज किया था, जिसके अंदर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप स्क्रीन, विंडो स्क्रीन, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन वगैरह के फोल्डर्स की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मजीद कुछ ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वक्त को जाया किए बिना अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो एक और ऑब्जेक्ट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अहमियत का हामिल है, विच इज अ टास्क बार। दोस्तों, डेस्कटॉप के बॉटम पर यानी निचले हिस्से पर आपको एक बार नजर आएगा जो कहलाता है टास्क बार, और ये कंटेन करता है तीन चीजें, यानी इसके अंदर आपको तीन मेन चीजें नजर आ जाएंगी। नंबर वन इज स्टार्ट बटन, नंबर सेकेंड इज क्विक लॉन्च टूल बार, एंड नंबर थर्ड इज नोटिफिकेशन एरिया और स्टेटस एरिया। तो आइए अब मैं इसको प्रैक्टिकली इनकी क्या क्या पर्पस होते हैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सबसे पहला इसका बटन नजर आएगा, सबसे पहला एरिया जो आपको टास्क बार में नजर आएगा वो है स्टार्ट बटन। और एक उससे पहले एक बात कि ये जो आपको एक ब्लैक बार नजर आ रहा है जो कि आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन के निचली साइड पर है, ये कहलाता है टास्क बार। इसका पहला एरिया है स्टार्ट बटन, दूसरा एरिया है क्विक लॉन्च टूल बार, और थर्ड एरिया है स्टेटस एरिया। तो दोस्तों, स्टार्ट बटन को मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी, बस ये याद रखें कि इसके अंदर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो लगा हुआ होता है जिसकी अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। इसके बाद ये जो क्विक लॉन्च टूल बार होता है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ये आप ये इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, वो आइकन्स रख सकते हैं, वो एप्लीकेशन इसके अंदर रख सकते हैं जो आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी आप जिनको फौरन के फौरन खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन नजर आ रही हैं इस फोल्डर के अंदर, जैसे कि OBS स्टूडियो है, स्काइप है, और इसी तरीके से और दूसरी एप्लीकेशन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको OBS स्टूडियो यानी इसका आइकन नजर आ रहा है। तो इसका यहाँ पर फायदा क्या है कि आप डायरेक्ट एंटर हुए अपने कंप्यूटर में और इस टास्क बार पर मौजूद इस आइकन पर आपने जस्ट क्लिक किया तो फौरन आपको ये जो एप्लीकेशन है ये फौरन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो यानी आप इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट टास्क बार पर ये तमाम आइकन्स का ये फायदा होता है कि आप इनको फौरन के फौरन एक्सेस कर सकते हैं और फौरन के फौरन क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका थर्ड एरिया है, विच इज द स्टेटस एरिया, जहाँ पर आपको आपके सिस्टम का स्टेटस नजर आएगा, जैसे कि डेट और टाइम नजर आएगा। इसके अलावा आप साउंड्स वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और आपको एरो नजर आ रहा है, जब आप इस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है शो हिडन आइकन्स, यानी आप यहाँ पर क्लिक करके हिडन आइकन्स यानी छुपे हुए आइकन्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी बैटरी शो हो रही होगी, वाईफाई वगैरह और दूसरे आइकन्स आपको नजर आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये था टास्क बार। और इस टास्क बार में जो आपको एक ऑब्जेक्ट, जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो है इसका स्टार्ट बटन। तो आइए मैं आपको स्टार्ट बटन की डिटेल बताऊं। स्टार्ट बटन इज द गेटवे ऑफ एक्सेसिंग मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इंस्टॉल इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस होंगी, और प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, गूगल क्रोम एक प्रोग्राम है, VLC मीडिया प्लेयर एक प्रोग्राम है, नोटपैड एक प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, प्रोग्राम और एप्लीकेशन फोल्डर्स और फाइल से डिफरेंट होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि यानी आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होंगी वो सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको विंडोज का गेटवे भी कहा जाता है। अब आइए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये है आपका स्टार्ट मेन्यू, जहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो बना हुआ है। तो जब आप इस पर माउस की मदद से क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का मेन्यू खुलेगा, और इसमें आप तमाम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, जैसे कि जितनी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हैं, अडोब ब्रिज, एक्सेस, ओडेसिटी, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा वगैरह, इन जितनी भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होंगी वो आपको एक लिस्ट की शक्ल में यहाँ पर दिख जाएंगी, और तमाम एप्लीकेशंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होंगी। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ए में, ए के नाम से, यानी जिनका स्टार्ट ए अल्फाबेट से होता है, वो तमाम एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि
बी के नाम से जो आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है उसका नाम है, फिर सी के नाम से कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, कैंडी क्रश वगैरह है, और सी के नाम से और दूसरी है, उसके बाद डी ई और टिल जेड तक जितने भी आपके एप्लीकेशन होंगी इन अल्फाबेट से स्टार्ट होती हुई, वो तमाम आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, इस मेन्यू के अंदर दिख जाएंगे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर एप्लीकेशन को खोलने के लिए आप इस पूरी लिस्ट को सर्च करें कि भाई ये वाली एप्लीकेशन कहाँ है। तो इसका भी एक आसान हल है कि आप सबसे पहले टॉप पर जाएं, और टॉप पर आपको यहाँ पर हैश नजर आ रहा है, तो हैश का मतलब है कि यहाँ पर आपको तमाम अल्फाबेट से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इस हैश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, और ये अल्फाबेट्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर सी लिखती हैं तो सी से रिलेटेड जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होंगे उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ए लिखते हैं तो ए से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो खुल जाएंगे। और एक और चीज आप देख रहे होंगे कि ये तमाम चीजें यानी एफ जी एच वगैरह तो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, व्हाइट कलर में नजर आ रहे हैं, जबकि ये जो जे के एल है, जेड है, यू है, ये आपको अनहाइलाइटेड नजर आ रहे हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इस नाम से, इस अल्फाबेट से आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम मौजूद ही नहीं है, कोई प्रोग्राम इस अल्फाबेट से शुरू नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक आपका स्टार्ट बटन के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो आप देख सकते हैं वो है ये तीन लाइंस। जब आप इन तीन लाइंस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि एक और आपके सामने एक नेविगेशन एक एरिया खुल गया है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस सिस्टम से रिलेटेड चीजें देख सकते हैं। जैसे राबिया खान जो कि इस कंप्यूटर सिस्टम की ओनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका नाम आ गया। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर की सेटिंग्स होंगी वो खुलेंगी। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का फोल्डर खुल जाएगा। या पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी पिक्चर से रिलेटेड आपका फोल्डर होगा वो खुलेगा। सेटिंग से रिलेटेड जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की सेटिंग से रिलेटेड जो एरिया होगा वो खुलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पावर बटन, यानी जब आप इस पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका रीस्टार्ट, शट डाउन या स्लीप के ऑप्शन है वो आपको दिखेंगे। दोस्तों इससे हमें ये पता लगा कि ये जो आपका स्टार्ट बटन होता है, इससे ना सिर्फ आप कंप्यूटर के अंदर एंटर हो सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑल दीज एप्लीकेशंस, बल्कि साथ साथ आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से बाहर भी आ सकते हैं, शट डाउन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आपके पास अगर विंडोज 7 है तो आपका स्टार्ट बटन इस तरह का नहीं होगा, बल्कि आपको सिर्फ ये चीज नजर आएगी। जबकि अगर आपके पास विंडोज 8 है तो आपके पास ये एरिया नहीं होगा, बल्कि ये तमाम एरिया होगा जिसके अंदर आपको तमाम एप्लीकेशंस इन टाइल्स की शक्ल में नजर आ रही होंगी। और साथ के साथ इसके अंदर एक और मजे की चीज ये है कि यहाँ पर आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं तो वो आपको इसके ऊपर डायरेक्टली वेदर वगैरह शो हो रहा होगा, डेट और टाइम शो हो रही होगी। और दोस्तों मेरे पास विंडोज 10 है जो कि मिक्सचर है विंडोज 7 और 8 का, इसीलिए जब मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो विंडोज 7 के अंदर तमाम चीजें हैं वो भी शो हो रही होती हैं, और जो विंडोज 8 के अंदर टाइल्स की शक्ल में आपको एप्लीकेशन दिख रही होती हैं वो भी मुझे दिखती हैं। तो इससे हमें ये पता लगा कि विंडोज 10 जो है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, उसके अंदर आपको दोनों तरह की चीजें स्टार्ट बटन आपको प्रोवाइड करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था स्टार्ट बटन जो कि आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का गेटवे कहलाता है। इसके अंदर आपको तमाम एप्लीकेशंस नजर आ रही होती हैं, और इन एप्लीकेशंस पर क्लिक करके आप इन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कैलकुलेटर है इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन मेरे सामने खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट बटन के बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है वो है कंट्रोल पैनल। दोस्तों कंट्रोल पैनल आपकी विंडोज का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहां आप अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स को अनइंस्टॉल करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, अपने नेटवर्क की डिटेल्स को मैनेज करते हैं, अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, और सिस्टम की सिक्योरिटी को भी मैनेज कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग का असर आपके कंप्यूटर पर डायरेक्टली पड़ सकता है।
इसीलिए जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको ये इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें आपको कोई तब्दीली, अगर आप कोई तब्दीली कर रहे हैं तो उसका असर आपके सिस्टम पर क्या होगा, जब तक आपको ये चीज नहीं पता तो आपको चाहिए कि आप इससे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूजर अकाउंट्स का भी एक बटन नजर आ रहा है जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को देख सकते हैं, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का भी फोल्डर नजर आ रहा है, नेटवर्क का नजर आ रहा है, प्रोग्राम्स, हार्डवेयर एंड साउंड, और प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से तमाम प्रोग्राम्स को, तमाम एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में नो हाउ नहीं होगी तो आप किसी गलत एप्लीकेशन को अगर अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसको खोलने का एक तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन में गए, वहां पर आपने लिखा W, W से रिलेटेड आपके सामने तमाम एप्लीकेशंस खुल गई हैं। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है विंडो सिस्टम, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कंट्रोल पैनल, और जैसे ही आपने कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये तमाम चीजें ओपन हो गई हैं, जिसके अंदर आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, विंडोज फायरवॉल वगैरह को देख सकते हैं, और नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में आप जान सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं, यूजर अकाउंट्स की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब आप इसमें जिस भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप बआसानी अपने कंप्यूटर से उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी ये जो कंट्रोल पैनल है ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग्स, और इन सेटिंग्स को तभी एडजस्ट करना होगा जब आपको ये सेटिंग एडजस्ट करनी आती होगी। तो आप ये श्योर रहें कि जब आपको ये काम आता हो तभी आप ऐसा करें, क्योंकि अगर आपने कोई गलत सेटिंग कर दी, कोई गलत आईडी डाल दी, कोई गलत प्रोग्राम आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो इसका नुकसान आपको पहुंच सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला ऑब्जेक्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो है एक्टिव विंडो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी आप अपने माय कंप्यूटर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है इस तरह से, जैसे इसी तरह डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक और भी दूसरे आइकन्स पर जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड विंडो आपके सामने खुलेगी जो कहलाती है एक्टिव विंडो। और इस विंडो में आपको कुछ कॉम्पोनेंट्स नजर आएंगे, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार और स्टेटस बार। दोस्तों, वक्त की कमी के बायस हमें अपने लेक्चर को यहीं स्टॉप करना होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम बार्स की डिटेल्स देखेंगे और साथ के साथ इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।